हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो बिमस्टेक हम इसको बोल सकते हैं। एंड पहले इसका नाम कुछ और था एंड अब इसका नाम है बिमस्टेक। इसको रीनेम किया गया था 1997 के अंदर। पहले इसको हम बोलते थे BISTEC, जो था बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका नाम चेंज करके हो गया है अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो बेसिकली ये है क्या, ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है। 7 कंट्रीज़ वो कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अगर मैं ओरिजिनली बात करूँ तो ओरिजिनली सिर्फ 4 मेंबर्स थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार जो है वो ज्वाइन किया है उन्होंने 1997 के अंदर एंड नेपाल एंड भूटान ने ज्वाइन किया है 2004 के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, तो ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ही क्या करा है, ये एक तरीके का इनिशिएटिव लिया है कि हम ज्वाइन करते हैं एंड ज्वाइन करके हम कुछ कॉपरेशन करेंगे, कुछ कोलैबोरेशन करेंगे और एक साथ मिलकर कुछ डेवलपमेंट करेंगे अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये ज्वाइन करे हैं अमंग कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन किया है इन्होंने अमंग साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी रीजन्स की कंट्रीज़ हैं वो सब आपस में कॉपरेट हुई है, मतलब बेसिकली वो कोलैबोरेट करा है उन्होंने, आपस में मिलकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करा है। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 के अंदर एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो है तेंजिन लेगपेल, भूटान के हैं ये तेंजिन लेगपेल। इसके बाद जो हेड क्वार्टर्स है वो है ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इसके बाद कुछ और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, बेसिकली जो भी काम होता है वो सारा इंग्लिश के अंदर होता है। जो लीडरशिप है, जैसे हर बार लीडरशिप जो है वो चेंज होती रहती है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। जैसे सबसे पहले अगर बांग्लादेश कर रहा है, उसके बाद आएगा नंबर किसका, बांग्लादेश के बाद ए बी सी डी, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, दैट मीन्स सेकेंड नंबर आएगा भूटान का ही, ठीक है। तो इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लीडरशिप डिसाइड होता है कि कहाँ पर सबमिट होगी, कहाँ पर नहीं होगी। अब अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ या हेड की बात करूँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तेंजिन लेगपेल। इसके बाद एम की अगर मैं बता दूँ कि या बेसिकली रोल क्या है, वो तो मैंने जैसे बता ही दिया है कि टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन और कुछ और भी अदर चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को इनको अचीव करना है। बेसिकली ये इनका गोल है कि ये सारी चीज़ें हमें मिलकर अचीव करनी है, इसीलिए हम एक मिलकर एक कॉपरेशन हमने फॉर्म करा है। अब परमानेंट सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पर सेक्रेटरी परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज होते रहेंगे हर साल। तो परमानेंट सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी का ओहदा एक स्टेट को दे दिया है, एक कंट्री को दे दिया है, जो है ढाका, बांग्लादेश। चेयरमैनशिप जो है अभी वो श्रीलंका के पास है 2022 से, बदली मतलब 2022 तक जो थी वो श्रीलंका के पास थी एंड अब जो ये चेयरमैनशिप है ये थाईलैंड के पास। सो अगर मैं फर्स्ट समिट की बात करूँ, फर्स्ट समिट हुई थी 2004 के अंदर थाईलैंड बैंकॉक में एंड अभी रिसेंटली 2022 के अंदर फिफ्थ समिट हुई है श्रीलंका कोलंबो के अंदर एंड जो हुई थी वर्चुअल मीटिंग, यानी कि कोविड के चलते मीटिंग्स जो थी वो ऑनलाइन हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है क्या, यूरोपियन यूनियन है कि ग्रुप ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोप, यूरोप की ही 25 मेंबर स्टेट्स को मिलाकर हमारा बना है यूरोपियन यूनियन, यूरोप की स्टेट्स की यूनियन। इसकी जो कैपिटल है इसको हम बोलते हैं ब्रुसेल्स। अब इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 के अंदर अंडर द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स।
इसका जो फ्लैग है वो पूरा ब्लू फ्लैग है. ब्लू फ्लैग के अंदर 12 stars हैं जो येलो कलर के हैं. एंड मे बी फ्लैग के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको फ्लैग पता होना चाहिए कैसा होता है. इसके बाद जो इसका हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर. बेसिकली इसका एम क्या था, पीस लाने के लिए, फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए. तो बेसिकली यूरोप के जितनी भी स्टेट्स थी उनका आपस में संबंध कैसा है कैसा नहीं है, तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट थे उन सब कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए इसको लेकर आए. एंड जितनी भी यूरोप की स्टेट्स हैं वो एक कंबाइन हुई, कोलैबोरेशन करा उन्होंने, कोऑपरेशन करा, एंड उससे ही इन्होंने यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म करा. जो इसका मोटो है वो है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, एंड इसका एंथम है एंथम ऑफ यूरोप. जो यूरोपियन यूनियन है, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बैन कर दिया है रशिया के ऑयल को, ठीक है, ड्यू टू रशिया और यूक्रेन के वॉर के बेसिस पर. एंड अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 27 कंट्रीज़ को मिलाकर ही जो बना है यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरो को एज अ करेंसी फॉलो करते हैं, एंड 8 कंट्रीज़ फॉलो नहीं करती है यूरो को एज अ करेंसी. सो नेक्स्ट हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है SAARC, SAARC, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन. सो जो ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इसको साइन किया गया था ढाका बांग्लादेश के अंदर, एंड इसके अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं. 8 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और बोला हम अब मिलकर काम करेंगे, हम सब अपने अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हम कोलैबोरेशन करेंगे प्रमोशन के लिए, कि भाई हर स्टेट डेवलप करे कुछ एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिकली. वो एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट तो करना ही है एग्रीकल्चर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, एजुकेशन के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए. सो ये सारे कुछ बेसिकली एम्स थे जो इस ऑर्गेनाइजेशंस के एक तरीके से थे कि जो इनको अचीव करने हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल के अंदर. करंट हेड कौन है, तो इसाला रुआन वेराकून, श्रीलंका के हैं ये. 2020 के अंदर ही इनको अपॉइंट किया गया है. एंड अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट जो हेड थे SAARC के वो थे अब्दुल एहसान, जो थे बांग्लादेश के. 1985 से 1989 तक इन्होंने सर्व करा एज अ हेड ऑफ SAARC. एंड इंडिया से 2 हेड बने हैं अभी तक, कांत किशोर भार्गव एंड शील कांत शर्मा. एंड उसके रिस्पेक्टिव ईयर्स आप देख सकते हैं, 1989 टू 1991 एंड 2008 टू 2011. इंडिया से अभी तक 2 रिप्रेजेंटेटिव, या हम बोल सकते हैं 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो हेड रह चुके हैं SAARC के इन रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर. SAARC का जो एस्टैब्लिशमेंट है एस्टैब्लिश हुआ है 1985 के अंदर 8 दिसंबर को. अब अगर मैं बात करूं ओरिजिनली जब ये SAARC आया था 1985 के अंदर तो उसके कितने मेंबर्स थे, सो 1985 के अंदर सिर्फ 7 मेंबर्स थे, तो अफगानिस्तान जो है वो मेंबर नहीं था SAARC का. 2005 के अंदर इंडिया ने ये अटेम्प्ट किया और बोला अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करना चाहिए, एंड 2007 के अंदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसको कंप्लीट करते हुए अफगानिस्तान को ज्वाइन कर दिया गया. एंड अफगानिस्तान ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन कर लिया एंड साइन कर दिया जो चार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का. सो बेसिकली ये क्या पर्पस है इसका, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, एनवायरनमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करना, पॉवर्टी को कम करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं. इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1981, और कहाँ हुई थी, बांग्लादेश ढाका के अंदर. इसके बाद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के ज़ियाउर रहमान, इनका मेन मेजर रोल रहा है SAARC को बनाने में. अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो 18th समिट हुई है काठमांडू नेपाल के अंदर 2014 के अंदर, जहाँ पर मोदी जी भी गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसके बाद 2016 के अंदर नेक्स्ट मीटिंग होनी थी पाकिस्तान के अंदर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था SAARC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी यही चीज़ है कि अगर सबमिट के लिए आप नेक्स्ट कंट्री या होस्ट कंट्री को चूज़ करते हैं तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही चूज़ करेंगे. सो आफ्टर नेपाल, अगर मैं नेपाल की बात करूँ, लास्ट समिट नेपाल के अंदर हुआ था, तो नेपाल के बाद अब जो बारी थी वो थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर होना था. बट
ड्यू टू द उरी अटैक जो 2016 के अंदर हुआ था, जो इंडिया है उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सो इसीलिए जो 2016 की समिट थी वो नहीं हो पाई। सेकेंड समिट जो हुई थी वो हुई थी इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो जो समिट्स हुई थी वो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट समिट तो मैंने जैसे आपको बताया ही है, बांग्लादेश ढाका के अंदर हुई थी। सेकेंड हुई थी इंडिया के अंदर 1986 में, बेंगलुरु के अंदर हुई थी, जब राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। एट्थ मीटिंग हुई थी या एट्थ समिट हुई थी इंडिया के अंदर 1995 में न्यू दिल्ली के अंदर, जब पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो पीएम थे। एंड फोर्टीन्थ मीटिंग हुई थी या फोर्टीन्थ समिट हुई थी इंडिया के अंदर 2007 में न्यू दिल्ली के अंदर, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि इंडिया में ही है एंड नॉर्थ न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके बाद जो ये यूनिवर्सिटी है ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सो अगर मैं बात करूँ, ये जो सार्क है इसके मेंबर्स जो स्टेट्स हैं वो तो एट कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, तो ये एट कंट्रीज़ पर तो ये अप्लाई होगा ही होगा। बट एट कंट्रीज़ के अलावा भी कुछ ऑब्जर्वर्स हैं इस सार्क के, जो ऑब्ज़र्व करते हैं सिर्फ सार्क को, बेसिकली कोई उनको बाइंडिंग फोर्स नहीं चाहिए। सो वो ऑब्जर्वर्स कौन कौन है? USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया, ये सारी ऑब्जर्वर्स स्टेट हैं या ऑब्जर्वर्स कंट्रीज़ हैं सार्क की। इसके बाद लास्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जो सार्क है वो फेल हो गया था, ये मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो कई बार इसको अफेक्ट करा, क्योंकि 2016 में जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर, अब 2016 में 19th समिट होना था बट इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिस वजह से ये समिट नहीं हो पाया। सो बेसिकली लॉस सफ़र करना पड़ा है सभी मेंबर्स को ही। प्लस सेकंड है इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सार्क के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सब में से इंडिया के पास, इंडिया का जो क्षेत्रफल है या इंडिया का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए कुछ जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होती है। तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से ये जो समिट है ये सक्सेसफुल नहीं रहा, या ये जो सार्क है ये सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड लास्टली इसकी जो समिट्स हुई हैं वो भी बहुत कम हुई है, एंड रीज़न वही है अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, बट समिट्स कम होना भी एक वजह है कि ये अनसक्सेसफुल रहा है। सो यही थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद करनी चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। So, thank you so much for watching.